क्या बात है, वाह वाह, शाहरुख सर आज आमच्या तुकरट वाडीत आलेले आहेत, जोरदार ताळ्या। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे आपका, और मुझे मालूम नहीं कि आज मैं सपने में हूँ या सच में है, लेकिन आज आप हमारे सामने हो। नो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। मैं शो का नाम तुमसे ठीक तरह सीखूंगा। या सर, सना हवा येऊ येऊ दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन सना हवा येऊ दिया। और थैंक यू डॉक्टर निलेश कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया, और मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिलता कि अपने ही महाराष्ट्र और अपने ही मुंबई की चीज़ें देखने का, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर। क्या बात है सर, क्या ये हमारा गाँव है, एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है थुकरट वाड़ी। थुकरट? जी हाँ, थुकरट यानी कि टाइम पास, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, ऐसे थुकरट वाड़ी गांव है मेरा, छोटा सा गांव था, मैंने शुरू किया था गांव से लेके। मुझे मालूम नहीं था कि 30 एपिसोड का जो शो मैंने शुरू किया था एक दिन 175 एपिसोड पे चला जाएगा। आज 175th एपिसोड है और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आपके साथ। और अभी क्या बताऊं, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं, ये तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। मैं कल रात को लेट तक शूटिंग कर रहा था, सुबह 5-6 बजे तक, और मैंने सबसे बताया कि मैं इस शो में आ रहा हूं, आपके शो में आ रहा हूं, और सब ने मुझे बताया कि सबसे बेहतरीन शो है। मुझे इतना मौका नहीं मिलता, मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं सिर्फ कार्टून्स देखता हूँ, तो ऐसे 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 सीरियस शोज देखने का मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सबसे बड़ा शो है। सो बहुत 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 धन्यवाद, और मैं बहुत एंजॉय करने के लिए आया हूँ। सो थैंक यू फॉर बीइंग सो। क्या बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर, आज इतनी शिद्दत से हमने शाहरुख खान को लाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से हमने आज शाहरुख खान को लाने की कोशिश की है कि पूरे जी मराठी ने उन्हें यहाँ लाने की साजिश की है। और मैं जी मराठी को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मेरे निलेश से मिला दिया, थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। सर ये फिल्म बहुत इमोशनल है मेरे लिए, मैं अंदर ही रख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पे बाहर निकलेगा, मैं बताऊँगा आपको, बहुत इमोशनल है क्योंकि इसी फिल्म की वजह से मेरी शादी भी हुई है। तो फिर तो ओम शांति ओम की वजह से तो बहुत ही इमोशनल है। वो भी बताऊंगा, आपकी वाइफ का नाम गौरी है, मेरे भी वाइफ का नाम गौरी है। हमारी सेम वाइफ है दोनों की? नहीं सेम नहीं है सर, मेरी सामने बैठी है, वो अलग है। अच्छा, मैं कहा तुम शो पे लाके सीक्रेट मुझको बताओगे? नहीं सर, मैंने ओम शांति ओम में देखा था सर कि आप जब वेव करते हो हाथ तो एक तिल नजर आता है, मेरे भी हाथ पे है, तो मुझे चेक करना था कि वो है आपकी ओरिजिनल हाथ? है मेरे पास, है ये बात सर दिखाई आता। तो हम दोनों जुड़वा भाई और हमारी बीवी सेम है। पण आज खूप छान वाटतं की शाहरुख खान आपल्या या थुकरटवाडीमध्ये आलेले आहेत, आणि येण्याचं कारण सुद्धा किती मोठं आहे बघा, आपण सगळे त्यांचे फॅन आहोत, जगभरात त्यांचे फॅन आहेत, आणि याच नावाचा सिनेमा ते आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहेत। फिल्म का नाम आहे फॅन। सर सभी आपके फॅन है, लेकिन इस फिल्म में हमें क्या देखने को मिलने वाला है? एक्चुअली जो फिल्म है थोड़ी अलग है, निराली है, ऐसी फिल्म शायद किसी ने लिखी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी एक कहानी ऐसी होगी, डर जैसी होगी, लेकिन बहुत अलग है। एक जवान लड़के की कहानी है, क्योंकि मैं सिर्फ 20 साल का हूँ इसलिए मैं वो रोल प्ले कर सकता हूँ। 24-25 साल का एक लड़का है जो बचपन से ऐसा समझता है कि उसकी ज़िंदगी एक सितारे के साथ या स्टार के साथ जुड़ी हुई है, जो मैं नहीं, मैं उसमें आर्यन खन्ना है वो। क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रिक्ट है, मैं वैसा नहीं हूँ। तो जब आप फिल्म देखें इंशाल्लाह तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं वैसा हूँ, मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ, फिल्म जैसा नहीं। और तो वो और उसकी वो जर्नी है दिल्ली से, मेरा बहुत शौक था क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, तो 25 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ, 25 साल मुंबई में, तो एक मुझे बहुत दिल था कि मैं जो दिल्ली में हमारा जो लहजा है, बात करने का तरीका है, वो सबके सामने प्रस्तुत करूं, तो एक मौका मुझे मिला। लेकिन अभी क्या हुआ कि 25 साल से मुंबई में हूं, तो मैं थोड़ा मराठी ज़्यादा हो गया हूं, दिल्ली वाला कम हो गया हूं। ओहो। तो मुझे लर्न करना पड़ा मुझे, बट
बट इसकी एक जर्नी है, वो मिलने को आता है और कुछ चीज़ें जो हैं वैसी नहीं होती जैसा वो सोचता है, समझता है या चाहता है, और ज़िंदगी में एक बुरा सा दिन आता है, तो उसकी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या बात है सर, और फैन तो अभी सुपर डुपर हिट हो ही गई है क्योंकि ये इस शो पे आ गई है। जय सत्य। मेरा पूरा मेन एम 2 साल से मेरा फैन बनाने का मेन एम यही था कि मैं यहाँ हूँ आपके शो में और आप सबको, तो मेरा काम पूरा हो चुका है। मुझे आनंद है ये आप बोलने वाले हो, इसीलिए मैंने ये बोला था। सर बहुत बहुत स्वागत, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हमारे साथ बैठिए। शाहरुख सलांसा जी नमस्कार, सुस्वागतम, कसे आहात सगळे, मजेत ना? आणि आपला नेहमीचा पुलकीचा प्रश्न मंडळी हसताय ना, हसायलाच पाहिजे कारण परत एकदा घेऊन आलोय आपल्या हक्काचा आपला लाडका कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे चला हवा येऊ द्या महाराष्ट्र दौरा। आणि आज आपल्याकडे आपण ज्यांचे फॅन आहोत असे सुपर डुपर स्टार शाहरुख खान साहेब आलेले आहेत, त्यांच्याशी आता मी गप्पा मारणार आहे। सर आम्ही तर तुमचे फॅन आहोतच, जगभरात तुमचे फॅन आहेत, पण मला हे जाणून घ्यायचं आहे की शाहरुख खान कोणाचे फॅन आहेत? मैं सबका फैन हूँ यार, मैं एक दो नाम लूंगा तो बुरा मान जाते हैं। मैं सबका फैन हूँ, मैं सारी दुनिया का फैन हूँ, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। और फिल्मों में जब काम शुरू नहीं किया था तो ऑफ कोर्स जो हम हमारी उम्र के जो स्टार्स थे, मतलब मेरी उम्र के नहीं हमारी उम्र के वक्त के, तो अमित जी बहुत अच्छे लगते थे, शशि कपूर साहब, ऋषि कपूर साहब, तो उनको देख देख के बड़े हुए, और मुझे मुमताज जी बहुत पसंद और सारा बारे। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स दिलीप साहब, फिर क्रिकेटर्स में हैं, फिर स्पोर्ट्समैन में हैं दिलीप वेंगसरकर, गावस्कर साहब, सचिन, सारे मुंबई वाले बोल रहा हूँ मैं यार, और बट ऑल ऑफ देम, मतलब मैं बड़ा होते मिल्खा सिंह जी और मोहम्मद अली बॉक्सर, तो मैं हर हर किसी का फैन हूँ, मदर टेरेसा, सो मुझको बहुत सारे लोग पसंद। वाह, और आज आप एक बड़े शो के भी फैन हो के जाएंगे यहाँ से? नहीं, वो सबसे बड़ा फैन मैं तुम्हारा हूँ, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया ना तुम्हारा नाम, इसलिए बार बार क्या अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ करता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा शो। नहीं सर, आज ना मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा है यहाँ, मुझे बहुत बुरा लगा, हमें बहुत टेंशन था कि मुझे बहुत मराठी नहीं आती तो मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बोलता हूँ। सर नीलेश के लिए घेवन टाक, लेकिन मुझे आज सर सच्ची मुच्ची में टेंशन था कि आप आएंगे तो तालियां कैसे बजेंगी, क्योंकि हर एक आदमी तो ये स्टेप करने में ही लगा रहेगा। तालियां बजेंगी कैसे? फिर साथ वाले से बजा सकते हैं ना, ऐसे करते करते मैंने सब वर्कआउट किया है, ऐसा नहीं है। वाह, वैसे तो मुंबई हर एक चीज हमें देती है, सिखाती है, क्या है मुंबई आपके लिए? मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे एक माँ ने जन्म दिया, एक ने मुझको पाला, तो मुंबई महाराष्ट्र ने मुझे पाला है, मेरी माँ है, और क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मैं दिल्ली से था, तो 25 साल की उम्र में मेरे माँ बाप चल बसे, तो फिर उसके बाद मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस वजह से भी हूँ, वो सिर्फ मुंबई की वजह से हूँ, जिस प्यार से लोगों ने मुझे यहाँ पर अपनाया। और जब मैं पहली बार आया था मुझे लगता नहीं था कि मैं यहाँ रहूँगा, मैं दिल्ली वाला था, लेकिन एक मैं शायद टाउन में था, टाउन साइड पे, और मैं ऐसा एक गली से निकल के मुड़ा तो सामने एकदम समुंदर, और दिल्ली में तो बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा है नहीं सिवाय जमुना जो है, सो मेरे को वो बहुत अजीब सा नज़ारा लगा कि एकदम गली से निकलो इधर से और एक इतना बड़ा ओशन आपके सामने है, जो आपकी हैसियत आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, समुंदर के सामने खड़े होते हो तो पता है कौन। तर सर तुम्ही ज्या गावामध्ये आलेले आहात त्याचं नाव आहे थुकरटवाडी। थुकरटवाड़ी जी हाँ, बहुत खराब जो को हम थुकरट कहते हैं तो हमारे जो को हम खराब कहते हैं, ये जगह बहुत अच्छी है, थैंक यू थुकरटवाड़ी। तुम्ही आलाय म्हटल्यानंतर माझी अशी इच्छा होती की आपण एक सिनेमा बनवावा, मी एक फिल्म बनवतोय सर, तुमची होती दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तशीच मला पण एक DDLJ बनवायची आहे माझी, पण माझी थोडी लो बजेट आहे, आणि ओम शांती ओम हा जो सिनेमा होता सर तुमचा, त्यामध्ये तुम्ही पहिल्या हाफ मध्ये ज्युनियर आर्टिस्टचा रोल प्ले केलेला होता। जी जी जी, तर माझ्याही सिनेमामध्ये एक ज्युनियर आर्टिस्ट आहे, बघूयात मग आता त्याच्यामुळे शूटिंगची वाट लागते का तो शूटिंगला वाट दाखवतो। तर सर मी आता शूटिंगला सुरुवात करतोय, ही ट्रेनचा मी फील देण्याचा प्रयत्न केला इकडे, आणि तुमच्या फिल्ममध्ये आपकी फिल्म आहे अमरीश पुरी थे जी, जिनसे आपको सिमरन को छीनना था, मेरी भी फिल्म में अमरीश पुरी है लेकिन उनका नाम आमरस पुरी रखा है हमने, तो आमरस पुरी जी हमारे थोड़े अलग है, वो महाराष्ट्र के हैं।
अच्छा काम करो आ। उड़ गए आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, रुको। सर क्या है? ये नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? हम हमारे घर का एसी का बटन दबाते तो एसी चलता है, ये क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे, देखिए। सर लेकिन हमें कबूतर चाहिए, ये बदक है बदक। हाँ तो क्या होगा, इनका डबिंग हम कबूतर से करवाएंगे। कैसे? मिट्टू 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 नहीं करे तो गुटरगू करते थे। हाँ तो क्या हुआ, एक मिनट। हाँ सर सर सॉरी, तुम नए लग रहे हो इंडस्ट्री में। हाँ सर, पहली पिक्चर कर तुम्हें था। अच्छा हाँ, क्या उम्र क्या है तुम्हारी? माजा हुआ है 32 वर्ष। बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उससे दुगना हमारा तरबूजा है। तजुर्बा तजुर्बा। तो सर क्या है ना, पूरा आप तो मराठी में करते रहते हैं, आज पहली बार हिंदी बोल रहे हैं तो पूरी। हाँ वो जो है तजुर्बा, हम लंच के बाद खा लेंगे। क्या ओ तजुर्बा, छोटी छोटी अच्छी फोटी फोटी छोटी छोटी फोटी बनाना तरबूजे की। ठीक है आगे बोलिए। और जूस बनाना जूस। हाँ। लेकिन वो आगा मैडम को मत देना, पूरा पी लेती है। कौन आगा मैडम है? अरे फरीदा जलाल आगा। आई कि नहीं हुआ बेटा? नहीं नहीं हुआ अभी। चलाओ उनको भाई, हम आ गए। बाबा मेरा बच्चों, कोई बात नहीं बाबा, कैसे हो तुम बाबा? मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। अमरीश पुरी जी कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया। तुम्हारा हीरो किधर है? हीरो हीरो अभी आएगा ना शूटिंग पे। अरे आया तो उसको पहले बुलाओ, हम सीनियर एक्टर है यार। अच्छा लेकिन पहले तो काजोल मैडम से मिलते हैं ना। काजोल मैडम रेडी? बुलाओ बुलाओ। एक डायलॉग भी बना के आई थी आपके लिए, पेश कर दीजिए उनके सामने। वाह कुछ कुछ होता है सारा। इनके ये काजोल की आवाज में बहुत झोल है। आपकी काजोल थी, हमारी कहा झोल है। आपकी आवाज में काम करो, उनको पता चल जाएगा आप कौन हो। चलो चलो लोकर लोकर।
सर आ जाइए एसआर के सर। बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जादू देखना चाहो? क्यों नहीं बता दे। अखरोट का जादू दिखाता हूँ। अगर सच्चे दिल से किसी को चाहो और ये अखरोट फेंको तो अखरोट नहीं फूटता, शीशा फूट जाता है। देखना चाहोगे जादू? क्यों नहीं बेटा। देखो अखरोट नहीं फूटा, अखरोट जादू ऐसी है कि अखरोट नहीं फूटता। अच्छा कहा दादा। अरे माता डोला फुटला ना पान दादा ऐसा ना चेक करतो मला एसआर के वाटत नाही। कोण आप? एसआर के? कोण एसआर के? एसआर के का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एसआर के का लॉन्ग फॉर्म है संदीप रामभाव कदम। मुझे ओरिजिनल एसआर के चाहिए फिल्म में। ओरिजिनल चाहिए तो उसका बजट है 100 करोड़ रुपए। और आपका? मेरा 100 रुपए। सर लेकिन मेरे साथ काम करोगे तो और एक फायदा है। क्या? एक ऑफर है सर। क्या? शाहरुख खान के साथ सुनील शेट्टी फ्री है सर। कौन होता? गुलशन ग्रोवर। आपके साथ कर रहा हूं मैं फिल्म, अभी चुप रहो आप। थैंक यू सर। शूटिंग शुरू करें? हां चलो शूटिंग अपन शुरू करूया। ओके अपन सीन ला शुरुआत करें सर। एक मिनट। सर नाश्ते में क्या? हां नाश्ते में क्या है? मैं डायरेक्टर हूं इस फिल्म का। जा मैं डायरेक्टर हूँ इस फिल्म का। अरे जाओ भाई चाय लाओ जाओ। सर हम लोग कभी शुरू कर रहे हैं सर? आप कौन है? जूनियर केजी। जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैं। जूनियर आर्टिस्ट? हाँ हाँ। नाम क्या है आपका? केल्विन गोंसाल्विस। संत खर संत काय खर? कदम गंगाराम। कदम गंगाराम कहाँ से आया? देहरादून। चप्पल काढू? डोंबिवलीतून। डोंबिवलीतून आलं देहरादून सांगता तुम्ही? तुम्ही जुनियर आर्टिस्ट आहे? येस सर। अच्छा तुम्हाला पाठवलं इकडे? हां सर। ठीक आहे मग आता सीन समजून सांगतो। इकडे सर उभे असतात आणि स्टेशनवर तुम्हाला फिरायचंय। स्टेशनवर तुमची ऍक्टिंग दाखवायची। हां ओके सुरू करूया आपण। हां सर ऍक्शन। बाऊजी सही कहते हैं सिमरन। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या कहती हूँ? इसे जाने दीजिए। ओके जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी।
कट 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 ठीक है क्या आपने इसको सर मेरे को लगा ताली मार रहा जा रहा तो लगा सर अंदर से इसलिए हीरो है फिल्म का हीरो भाई ठीक से काम करना जूनियर हो ठीक से काम कर प्लीज हीरो है फिल्म के वो यार खाली वॉक करना है आपको शॉर्ट बेकार कर दिया हाँ ओके आप एक काम करो आप यहाँ खड़े रहो चलो कर लो आप यहाँ खड़े रहो समझो कि यहाँ किसी को आप छोड़ने के लिए आए हो अच्छा इतना ही करना है आपको हाँ हाँ टेक टू एक्शन आओ जी सही कह रहा है सिमरन मैं जा रहा हूँ सिमरन मैं क्या कहती हूँ जाने दीजिए इसे जाओ सिमरन जाओ जी लो अपनी जिंदगी अरे जाओ क्या किया आपने डस्टबिन दिला तुम्हें दिला नहीं मेरे को लगा वो छूट जाएगी ट्रेन से जाओ वो सीन है मेरा सीन है कि वो भाग रही है वो पकड़ नहीं रहा है ऐसा सीन है जल्दी से चटनी नहीं चाहिए वो ट्रेन में चलो यार चलो 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 एक मिनट भाई ये चने हैं क्या थोड़ा कंटिन्यूटी का मतलब उतना ही सर उतना ही है अरे यार ये क्या है अभी अभी ठीक है चलो 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 एक्शन करो पर देख दा फाइनल जाओ सिमरन जाओ जी लो अपनी जिंदगी कट अंदर नहीं जाएंगे काय करता अक्कल नाही तुम्हाला हिरोईनला खेचलं तुम्ही कशाला सर आपने बोला ना अंदर नहीं जाने देने का अरे वो मैं देख लूंगा आप हिरोईन को कैसे हाथ लगाते हिरोइन ला हाथ लावायचा नाही उनको हाथ नहीं लगाना है नहीं 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 खड़े रहो यार कुछ मत करो वो कर लेंगे चलो यार जल्दी करो मुझे जाना है सर मैं क्या बोलूं मैं सलमान कर लूं क्या सलमान नहीं 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 आप वही कर लो एक मिनट एक्शन के पहले एक मिनट ओके चलो भाई स्टार्ट करो चलो रेडी सर रेडी रेडी सर अभी एक्शन जाने दीजिए इसे जाओ सिमरन जाओ क्या उचलित पर्स अरे भाग रही थी तो पर्स कैसे ला उचलनी मां गरज होती द्यायची क्यों दी ऐसा बेवारस पड़ेगा अच्छा नहीं ना कोई भी उठले तुम्हें आग बसा आज चल मैं अंदर हाँ आज चल चला आज लवकर तुम्ही काम करणार आहात आता चला चल बाजेलो मला राव अरे वो इधर बैठना है आपको इधर बैठो सॉरी सर यहाँ बैठो आप सिर्फ शूटिंग में डिस्टर्ब मत करो कम ऑन यार कर लो सॉरी सर सॉरी मेरे डायलॉग से लेते हाँ सर प्लीज वहीं से लिया तो चलेगा नहीं क्या हाँ चलो एक्शन बाबूजी ठीक कह रहे हैं सिमरन मैं जा रहा हूँ मैं क्या कहती हूँ जाने दीजिए इसे जाना पड़ेगा हाथ बाहर मत निकलो खंबा लगेगा काय प्रॉब्लेम है तुमचा सर खांबा येतो ना हात बाहेर की खांबा अरे ते ऍक्शन आहे त्यांची ते हात देतात ते पकडणार
कहीं लगा चला चलो यार मुझे जाना एक्शन करा रे चांगला गाइस काय केलं सर उनको का मेरे को लग रहा बहुत देर से कर रहे कंटल गए रहेंगे तो थोड़ा ते नहीं कंटल हीरो एक तो तुम्हें हकलू नहीं ना यार दूसरा आर्टिस्ट मंगा लेना सॉरी सर सॉरी 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 कमाल कर रहे हो यार चलो लास्ट टेक कर लो अभी लास्ट लास्ट तिकडे मागे बसत या त्या सीटवर जाऊन बस तिकडे मागे लास्ट करा तो मला बम सीन पाहिजे एकदम मस्त यार धमाका होना चाहिए ना मागे तुम्ही फ्रेमच्या बाहेर आता लास्ट सीन है यार कुछ धमाका होना चाहिए यार चलो चलो आज मध्ये बसा ट्रेनच्या आणि मागे बसा अरे हिरो ला वाचवा ए सारके सर या ए सारके सर या अरे ट्रेन मध्ये ब्लास्ट कसा झाला सर आपने बोला था ना बम बम होना चाहिए तो फिर मैं बम लगा दिया सगळ्यांनी का आजच्या दिवशी सॉरी पॅकअप सॉरी पॅकअप करूया सॉरी सर सॉरी सर अलग अर्थ है सॉरी सर शाहरुख सर फैन सिनेमा के प्रोमोज हमने देखे ट्रेलर देखे तो उसमें एक फैन नजर आते हैं जो आपकी तरह ही दिखते हैं तो मुझे ये पूछना कि वो कौन है असल में हमें यार सबको बता दूं पहले मैं हाँ। मेरे दोस्त पिक्चर देखने गए तो उन्होंने कहा वो इंटरवल में बाथरूम में गए हाँ। तो चार पांच लोग वहाँ खड़े हुए थे तो बोलने लगे यार वो शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है वो सही है उसमें ट्रेलर में ज्यादा दिखाया नहीं लेकिन वो जो नया लौंडा है ना यार वो बड़ा अच्छा है यार मेरे को ऐसा लगा वैसे लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती जबकि ऐसा ना हो कि पहचाने ना उसको सारा क्रेडिट दे दें शाहरुख खान तो ठीक ठाक था तो मैं सबको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो मैं ही हूं वाह वाह और बहुत मेहनत किया मेकअप किया और जो हमारे डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा उन्होंने बहुत मेहनत की सब ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स वालों ने मेकअप वालों ने तो उन सबका बहुत श्रेय है इसके अंदर बहुत हिस्सा है और जब आपको वो अच्छा लगे तो ये करना कि मैंने अच्छी एक्टिंग की है किसी और को क्रेडिट मत देना प्लीज़ बहुत बुरा लगेगा मुझे लेकिन सर मेकअप का तो ठीक है लेकिन आप बहुत दुबले पतले नज़र आ रहे हैं उसमें मैंने थोड़ा सा वेट लूज़ किया था हाँ हाँ उसके लिए और हाइट हमने कम की है फिल्म में थोड़ी सी ओके लेकिन उस दौरान मैंने वेट लूज किया था जिसकी वजह से फिर लोग मेरी फोटो देखकर कहते हैं अरे यार ये तो बुढ़ा हो गया पतला हो गया लेकिन फिल्म के लिए किया था और क्योंकि वो यंगर है और मैं जो अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो मेरे जैसा ही है सो आई वॉन्टेड अ लिटिल डिफरेंस डायरेक्टर वॉन्टेड इट उनको चाहिए था तो थोड़ा वेट लॉस है थोड़ा सा हाइट हमने विजुअल इफेक्ट से कम की है कोशिश की है कि वो थोड़ा सा छोकरा बॉय लगे लड़का टाइप लगे थोड़ा सा सो या आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट फॉर इट एंड बट वो सब अच्छा हो गया और वो वैसे भी बहुत मेहनती पिक्चर है उसमें भागम दौड़ बहुत है तो वैसे ही भागने दौड़ने में भी काफ़ी वेट लूज हो गया था मेरा और उसकी बोलने की एक स्टाइल है सर वो एक आध डायलॉग अगर उस स्टाइल में हो जाए हाँ वो आवाज़ मुझसे कभी कभी निकलती है कभी कभी हाँ। निकलती है वो यार वो कनेक्शन भी ना कमाल की चीज़ है
किसी से भी हो सकता है, किसी से मिलने से, किसी से बात करने से, किसी के साथ बैठने से. वाईफाई ब्लूटूथ से भी स्ट्रांग है अपना कनेक्शन. वो स्टार ही नहीं, दुनिया है मेरी. लेकिन लेकिन जब उस फिल्म की मैं डबिंग करता हूँ तो मुझसे सारा टाइम ऐसा नहीं बोला जाता है. हाँ. आवाज़ बैठ जाती है और ऐसे करते करते मैं एकदम अमित जी बन जाता हूँ. तो मुझे अपना गला पकड़ के वो पूरी डबिंग करनी पड़ती है. ऐसा अच्छा. हाँ, ऐसा तो भी किया? कभी ऐसा कहीं अंदर डबिंग थिएटर में आया, इसलिए मैं खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अरे बाप रे, ऐसा पकड़ के करना. कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है. शाहरुख खान म्हटलं की रोमांस आला आणि डान्स आला. शाहरुख सर, मी असं ऐकलं की जेव्हा स्टेजवर तर तुम्ही डान्स करताच, पण जेव्हा तुम्हाला डॉक्टरेट ही पदवी देण्यात आली परदेशात, तिथे सुद्धा तुम्ही लुंगी डान्स केलं? हाँ, वहाँ पे. हाँ, एडिनबरा में मैंने किया था. एक्चुअली मैं येल में एक स्पीच देने गया था. हाँ. तो वहाँ पे जब बच्चे पास आउट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ एजुकेशन. मुझे लगता है लोगों को पढ़ना लिखना ज़रूरी है, हर बच्चों को. तो जब भी मुझे मौका मिलता है ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके तो मैं बातें करता हूँ. तो वहाँ पे मुझे बोला गया था कि यार तुम ना वहाँ पे अपना मजाक नहीं करना, ये बड़ी सीरियस आईवी लीग कॉलेज है येल. हाँ. तो बड़ा यहाँ पे जो है ज़्यादा मजाक नहीं करना, सीरियस सी बातें करना बिल्कुल. और उनके डीन जो थे बड़े स्ट्रिक्ट से ऐसे बैठे हुए थे. तो मैंने उनको भी एक दो बार गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून ऐसा बोला. फाइनली उन्होंने ना उठे वहाँ से और थैंक यू वेरी मच मिस्टर खान फॉर बीइंग हियर, इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, सी वी लव लेट टू हैव यू हियर, यू नो. आई जस्ट वांट टू से यू सेइंग वेरी वेरी नाइस वर्ड्स, बट व्हाट आई वुड लाइक टू एक्चुअली सी इज यू डांस टू चमक चलो. ओह, उन्होंने बोल दिया. अब आप खुद ही बोल दिया चमक चलो डांस किया. तो एक्चुअली मेरी जिंदगी का यही है कि कुछ भी बोल लो, अच्छी बातें कर लो, फाइनली नाच के दिखाना पड़ता है, वरना लोग ताली नहीं बजाते. मेरी बहुत इच्छा है अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा मुझे सिखा देंगे. मैं बहुत अच्छा डांसर तो नहीं हूँ. मोस्ट सर्टली मुझसे सीखोगे तो अच्छे डांसर कभी नहीं बनोगे, लेकिन सिखा. नहीं, आपकी तरह ही बनना है मुझे. अब फैन की स्टेप तो मुझे आज आपसे सीखनी है. फैन फैन की स्टेप वो मुझे बहुत पसंद है, कि मुझे आता नहीं. फैन की स्टेप का ये है उसका. हाँ. उसने किया था, वैभवी ने किया था. हाँ. और उसका मेन ये है कि कोई भी स्टेप नहीं है सिवाय उसके. बाकी हाँ. आपको जैसा दिल करे डांस कर सकते हो, बिकॉज उसका हाँ उसका थॉट ही है. हाँ. कि जिनको डांस नहीं आता, जैसा मैं हूँ. हाँ. और जैसे तुम हो या अब हो जाओगे मुझसे सीखकर. मुझे आता ही नहीं सर. बस तो बेस्ट है, जो स्टेप करनी हो करो, उस वाले फाइनल वाले के अंदर बस इतना इतना करना ये. और ये कर देना बस. हाँ. मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई आज. सर, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा. शो के स्टार्ट में मैं यह बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया है पूरी ज़िंदगी में. आपकी हर फिल्म मैंने देखी, आपका हर स्पीच मैंने सुना है, आपकी हर इंटरव्यू मैंने पढ़ी है. मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे भी आप ही हो. अरे थैंक यू. गौरी बहुत चिढ़ जाती है कि उसने मेरा और उसका फोटो लगा रखा है, लेकिन मैंने आपका फोटो लगा रखा है. मैं आपको फॉलो करता हूँ, कॉपी नहीं करता, लेकिन मैं आपको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं आप ही की तरह एक्टिंग करूँ और आप ही की तरह बनना चाहता हूँ. लेकिन एक तमन्ना थी जब मैंने कहा था खुद से कि चलो भाई कुछ नहीं होगा तो इस आदमी से एक बार मुझे मिलना है, जब मैं मुंबई में आया. थैंक यू, थैंक यू सो मच. और मुझे मालूम नहीं था कि ये थैंक यू इस शो की वजह से होगा सर. थैंक यू. तुमने इतनी अच्छी बातें की हैं
और मैं ये तुम्हारे जरिए सबको बताना चाहूँगा कि जो मैंने किया है करता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कैसे होता है, और जब पिक्चर हिट होती है लोग अवार्ड देते हैं, मुझे उससे इतना ज़्यादा खुशी नहीं होती बनिस्बत इस बात के कि कहीं पर कोई है जो मुझसे इंस्पायर नहीं, मुझसे सीखा नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि यार ये ज़िंदगी में इसने कुछ ठीक किया है तो मैं भी वैसा बनूँ। तो मैं सिर्फ दुआ करूँगा कि भगवान तुमको मुझसे 1,00,000 गुना ज़्यादा दे, खुशी दे, प्यार दे, मोहब्बत दे। गौरी की फ़ोटो फिर भी फ़ोन पे मत डालना, मेरी ही रखना। वो थोड़ा मैं समझा दूंगा गौरी, मैं उसको बता दूंगा। लेकिन जो तुमने हासिल किया है इस शो के माध्यम से, अदरवाइज जो तुम कर रहे हो, मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके कि आई होप यू बिकम मच बिगर, मैं अपने बेटे को ऐसा कहूँगा कि यू शुड बिकम मच बिगर, मच बेटर, एंड आई एम थैंकफुल दैट यू थिंक आई एम गुड इनफ फॉर समवन टू थिंक ऑफ एज कि यार इसको देखा हम ऐसा कुछ कर लें, ऐसा बन जाएं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हारा। थैंक यू सो मच सर। सर तुम्ही मुंबईमध्ये आलात, स्ट्रगल केलं आणि इतकं मोठं नाव कमावलं, पण मुंबईची लाईफलाईन असं जिला म्हटलं जातं ती म्हणजे लोकल, मुंबई लोकल। तर लोकलनी सुरुवातीच्या काळात प्रवास केला होता? मैंने पहली जो फिल्म थी अपनी दीवाना और दिल आशना है, तब उस वक्त एक जमाना था, आई डोंट नो अभी भी ऐसा होता कहीं नहीं, जब दिन में 3-3 फिल्मों की शूटिंग होती थी, 3 शिफ्ट्स होती थी, सुबह से 7 से 2, फिर 2 से 10, फिर 10 से सुबह 5 बजे तक। तो मैं दिल्ली से आता था, 3-3 फिल्मों में काम करता था, और एक मड आइलैंड में थी और एक इधर अपना टाउन में थी। तो ट्रैवल करने के लिए मैंने 1-2 बार मेकअप भी ट्रेन में किया है, लोकल ट्रेन के अंदर, बिकॉज अच्छा। हाँ, मेरे मेकअप दादा थे, रवि दादा, जो अब चल बसे, तो वो मुझे कहते थे चुपचाप से जाएंगे, जल्दी जहाँ गाड़ी में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएंगे, तो मैंने ट्रेन में किया। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा किस्सा है, मैं पहली बार मुंबई दिल्ली की एक ट्रेन, आई थिंक राजधानी या जो भी ट्रेन यहाँ आती है, तो उस ट्रेन में आया था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि महाराष्ट्र एंटर करके या मुंबई एंटर करके वो लोकल ट्रेन बन जाती है। तो हमने 3 दोस्त थे, हमने बर्थ ले रखे थे क्योंकि हम लॉन्ग ट्रैवल करके आए थे, तो लेटे हुए थे। हाँ। जैसे ही मुंबई में पहुंची या कोई एरिया के अंदर, तो बहुत सारे लोग आए और एक लेडी थी, उन्होंने कहा थोड़ा जगह दो। कोई आदमी ने झगड़ा किया मुझको, तो मैं खड़ा हो गया, हम दिल्ली वाले, हम भी लड़ पड़े। हाँ। तो एक आई थिंक एक मराठी लेडी थी, उन्होंने खींच के मुझे थप्पड़ मारा मुझे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा ये हमारी ट्रेन है, ये लोकल ट्रेन है, ये कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिसमें तुम ऐसे लेट सकते हो, चुपचाप से खड़ा। और फिर उसके बाद वो सब बैठ गए और मैं खड़ा हुआ था साइड में। और वो लेडी जहाँ पर भी हैं उनको शायद याद भी हो कि मैंने ऐसा किया था। तो प्लीज़ आई एम सॉरी कि मैं, मुझे मालूम नहीं था कि वो लोकल ट्रेन है, वरना। और आपने भी ये गलत किया कि थप्पड़ मार के उठा के मुझे बैठने भी रखनी था मेरे वाले बर्थ के ऊपर, जो मैंने दिल्ली से कवर अप किया। मीडिया वाले भी चले जाएंगे, उनका हाथ भी दिखाएंगे मीडिया में, यही था वो हाथ। सर जैसे आपको फैमिली से बहुत लगाव है, वैसे ही आपके माता पिता से भी आपका बहुत लगाव था, लगाव है। मेरे भी आज माता पिता आए हैं, गौरी के माता पिता भी है। अरे नमस्कार। यही पूछना चाहूँगा आज कि क्या लगता है कि आज माता पिता होते तो उनको क्या लगता? उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी तो तब चल बसे जब मैं 15 साल का था। तो मेरी आज भी एक यही बात दिमाग में आती है कि जो बच्चे छोटी उम्र में अपने माँ बाप से सुनते हैं, हम उसको नकार देते हैं कि अभी क्या मैं बोली माता ना, मैंने माता बनाऊँ, व्हाट आर यू सेइंग, आई डोंट वांट टू। मेरे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि आ रहे नो नो नो, बट आई थिंक वो बातें कहीं पे ज़िंदगी में याद रहती हैं और फिर वो आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प करती हैं। तो मेरे पिता की बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उन्होंने कहा बेटा जो कुछ नहीं करते वो भी कमाल करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो करो नहीं करो ज़िंदगी अच्छी तरह से रहो। सो एंड जब मुझे, मैं एक्चुअली मुंबई आया ही इसी कारण से था, मुझे लगता नहीं था मुझे फिल्मों में चांस मिलेगा, मुझे लगता था मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं लंबा नहीं हूँ, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मुझे एक्टिंग भी जो है थिएटर वाली आती थी, फिल्मों की एक्टिंग समझ नहीं आती थी, गाना बजाना मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, तो मुझे लगता नहीं था मैं हीरो बनूंगा। लेकिन माँ जो होती है अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, तो उन्हें बचपन से लगता था मैं दिलीप कुमार, वो ये कहते थे दिलीप कुमार है बड़ा अच्छा, और मैं बहुत ही वाहियात एक्टिंग करता था। लेकिन माँ का प्यार ऐसा ही होता है। मैं इतना बड़ी फिल्में बनाना चाहता हूँ कि स्वर्ग से भी वो नीचे देखें तो उन्हें वो फिल्में दिख जाएं। वाह। तो मैं तो आधा काम मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ कि वो खुश रहें, आधा काम मैं अपने माँ बाप के लिए करता हूँ कि वो देख सकें। क्या बात है, क्या बात है।